हेलो दोस्तों, जितने भी मेरे दोस्त गुटखा शराब पान ये सब नशा करते हैं, ये वीडियो उनके लिए मैं बना रहा हूँ। और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को कि आप घर पे गुटखा शुद्ध और साफ गुटखा कैसे बनाते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता होगा कि गुटखा कितना महंगा हो गया है। मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ किसी गुटखा खाने के लिए, इसलिए मैं नशीली पदार्थ का सेवन मैं आपको नहीं कहूँगा करने के लिए। लेकिन आप घर पर शुद्ध और मतलब शरीर को जो बिना नुकसान का जो गुटखा होता है वो किस तरीके से बनता है, मैं आपको रियल में बना के दिखाता हूँ और मैं आपको पूरा इसके बारे में बताऊँगा। इसमें मतलब कोई झूठ नहीं है, कोई नशे वाली पदार्थ नहीं है, नशे की अपना काम नहीं है आप कि मैं किसी को नशा बोलूँगा करने के लिए। नशा बेकार ही होता है, खास करके गुटखा तो और बेकार होता है। लेकिन जो मैं आज घर पे प्रैक्टिकल आपको करके दिखा रहा हूँ उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरीके से बनता है और किस तरीके से मैं बनाता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो गुटखा या तो खाते होंगे या फिर खाने की मतलब चाहत रखते होंगे। यार कोई भी खा सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैं एक बात तो क्लियर कर देता हूँ, गुटखा यार नशे के लिए कोई नहीं खाता है, उससे नशे के लिए कोई नहीं खाता है, वो खाता है एंजॉय के लिए। जो कुछ कुछ करके मतलब एक मज़ा आता है, एक बात करने में मतलब मस्ती आती है ना, उसके लिए गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं लोग, शौक से खाते हैं, जो पान मसाला वगैरह खाते हैं वो इसलिए खाते हैं। तो चलिए मैं आज बिना देरी किए मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल्स में। तो उसके लिए मेरे को जाना होगा थोड़ी ज़मीन पर बैठ के, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से मज़ा लेते हैं, क्या क्या चीज़ उसमें डालते हैं, मतलब बिल्कुल सच्चाई वाली। चलिए दिखाते हैं आपको। दोस्तों देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, मैं इसको पहले पूरा डिटेल्स में दिखाता हूँ आपको, इसको रख के। ये देखिए, ये जो है ये लीची के पत्ते हैं, लीची के पत्ते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे समझते होंगे ये लीची के पत्ते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये शीशम का पत्ते हैं, शीशम का है। तो अब देखिए इसको किस तरीके से बनाते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल्स बताता हूँ। और ये जो चीज़ है ये सेमल का है, सेमल का जो पेड़ होते हैं, सेमल का जो कांट होता है, सेमल का जो फूल होते हैं वे उसी, ये कांटे हैं या आप ये देख सकते हैं। तो ये इस कांटे को आप हटा दीजिए, इसको मैंने छोटा छोटा करके रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पत्ते हैं, ये लीची के पत्ते हैं, ठीक है। ये जो मैं बड़ा सा भी आप इसमें दिखाया था मैं आपको, ये सेमल के कांटे, सुपारी की तरह इसको बना लीजिए। ये बिल्कुल शुद्ध है। और काफ़ी लोग होंगे जो कहेंगे कि ये क्या बेवकूफ़ी है, लेकिन बेवकूफ़ी नहीं है दोस्तों, इसका मतलब प्रूफ दिखाता हूँ आपको कि इसमें सच्चाई कितनी परसेंट है और क्या इसमें बेनिफिट है। पहली बात तो इसमें कि कोई नशा नहीं है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, ये शुद्ध शाकाहारी है। और इसको खाने से आपको जो है एक एनर्जी मिलेगी, एक ताकत मिलेगा, एक मज़ा आएगा, ठीक है, ना ही कि शरीर को नुकसान करेगा। हम बचपन में पता नहीं कितनी बार हम लोग खा चुके हैं। तो इसको क्या कीजिए, आप तीनों को एक में मिला दीजिए। जैसे कि आपने, मैं आपको बताया था, ये शीशम का जो ये होते हैं, इसको छाले निकालते हैं ऐसे, इसके जो छाले होते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाने के लिए मैं आपको बना रहा हूँ। ये जो छाला होता है ये आप देख सकते हैं, ये जो छाला है इस छाले को इतना छोटा छोटा टुकड़ा करके इसमें मिला लीजिए। और बाकी ये जो लीची के पत्ते हैं इसको भी टुकड़ा टुकड़ा करके इसमें मिला लीजिए। और इसको मैं मिला चुका हूँ, आप देख सकते हैं अब ये पूरा तरह से तैयार है, ना ही कहीं सुखाना है, ना ही कोई कुछ डालना है। इतना बेहतरीन स्वाद आएगा ना, एक बार आप खा के देखिएगा और तब बोलिएगा कि हाँ यार क्या मज़ा आ गया। आपको जैसे पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में जो 5 रुपये गुटखा है वो 18 रुपये 20 रुपये मिल रहे हैं। आपको पता होगा कि यदि आप मार्केट में रहते हैं या गाँव में रहते हैं तो जो लोग आदि हैं वो लोग मतलब गुटखा उनको खाना ही खाना है, मतलब ज़्यादा खाते हैं, उनके लिए मैं एक तरीका लाया हूँ और ये तरीका बहुत हेल्पफुल है। आप लोग खाइएगा अगर आप गुटखा के आदि हैं तो, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बता तो रहा हूँ मैं आपको, बचपन में मैं पता नहीं कितनी बार खा चुका हूँ और इसको कभी भी आप खा सकते हैं और हर जगह ये उपलब्ध है, बिल्कुल 0 रुपये में, कुछ नहीं खरीदना है। और मैं एक बात आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी इंसान गुटखा नशा के लिए नहीं खाता है, वो इंजॉय के लिए खाता है, मुंह चलाता है तो उसको मज़ा आता है और मज़ा आता है तो उसको अच्छा लगता है, बात करने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार ये ट्राई जरूर कीजिएगा। यदि आप गुटखा खाते हैं तो आपको हो सकता है छुटकारा भी मिल जाएगा, यदि ये मतलब खाते रहेंगे तो हो सकता है आपको छुटकारा मिल जाएगा। जिस जैसे कि गुटखा जो होता है ना वो मुँह में चलाने पे मजबूर करता है और अगर नहीं जाता है मुंह में तो वो लोग सोचते हैं कि जैसे कि देखिए ये छीट गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।